अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मैसूर के भजिए की रेसिपी शेयर करूंगी। बेसन के पकोड़े तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन ये जो पकोड़े हैं ये मैदे से बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही मजे के ये बनते हैं। तो फिर चलिए हम ये मैदे से बनने वाले मैसूरी भजिए की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक बाउल में 1.5 कप मैदा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो इस मैदे में हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे, जो कि मैं 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूंगी। तो मैदे में हमने दही ऐड कर दिया, तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, जो कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसमें। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जब तक इसमें सारे लम्स, सारी गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये चम्मच से बह रहा है, तो बस इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे हम ढककर रख देंगे साइड में तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसे रखे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें जो अगली चीज़ जाएगी वो है अजवाइन, जो कि मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं, तो अब हमें इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसके हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम पकोड़े डालते जाएंगे 1-1 करके। तो पकोड़े हमने ऑयल में डाल दिए हैं, तो इसमें लाइट गोल्डन कलर आने तक हमें पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये एक साइड से हो गए हैं फ्राई, तो इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये माशाल्लाह हमारे जो पकोड़े हैं वो दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें सारे पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। तो मैसूरी भजिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। फरहीन को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।